तो गाइस यहाँ पर जो है तो मार डाला है किसी ने। पहुंच चुका हूँ अभी घर और अभी खाना खाते हैं। हमने जो अम्मा को हेल्प की थी आते वक्त, आप भी करिएगा अगर आप कर सकते हो तो। गाइस छोटू दादा स्कूल से आ गया है और मैं भी स्कूल से आ गया हूँ अभी। तो आज मैंने दो लोगों को हेल्प की है, एक तो बस में की थी, मतलब जो एक लड़का था उसके पास, जो जैसे ही वो चढ़ा मैंने देखा कि उसके पास जो है भारी बैग था, उसको देखकर मुझे दया आई थी और मैंने क्या किया उसका बैग जो है उसको बोला कि जो तेरा बैग है वो मेरे पास दे दे, क्योंकि मैं बैठा था तो मैंने उसका बैग जो ले लिया था, मतलब बैग में इतना वजन था पता नहीं क्या भर के लेके आया था। तो मैंने उसकी एक हेल्प की, मतलब ये मेरी पहली हेल्प हुई। और दूसरी हेल्प जो कि मैं स्कूल से आ रहा था तभी मैंने एक अम्मा को देखा था और वो क्या है भारी बैग लेके जा रही थी, मतलब सिर पे दो दो मतलब वजन थे और साथ में भी हाथ में भी था, उनको चलने को नहीं हो रहा था। तो मैंने उनको देखा और मेरे फ्रेंड ने उनको हेल्प की और उनकी जो उनकी मंजिल तक उनको मैं पहुँचा कर आ गया। और अच्छा लगता है अगर अगर आप कर सकते हैं हेल्प तो दूसरों की कर दो, क्योंकि कर सकते हैं तो क्या होता है अगर आप किसको हेल्प करते हैं तो कभी भी मतलब फ्यूचर में हमको भी किसी से हेल्प मिल सकती है, हमारे पेरेंट्स को हेल्प मिल सकती है, हमारे जो रिलेटिव हैं उनको भी हेल्प मिल सकती है। तो हेल्प करना एक अच्छी बात है, आप भी हेल्प कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप इसको किसी व्यक्ति को हेल्प कर सकते हैं, मतलब हेल्प करो तभी क्या होता है अच्छा लगता है और अच्छा फील होता है, जो मन को जो है सेटिस्फेक्शन एक मिलता है। तो अगर आपको कोई ऐसा दिखता है तो आप भी उसको हेल्प कर सकते हैं, परंतु हाँ कि देखना कि कौन कैसा व्यक्ति है उसी बाद में ही देखकर उनको हेल्प करना। तो अभी मैं खाता हूँ खाना और मिलते हैं बाद में। तो है टिफ़िन को रख देते हैं निकाल कर बैग में से और बाद में मम्मी है जो धो लेगी इसे। यहाँ पर मेरी बहन ने जो है सलाद बनाया है तो इसे खाना खाते समय खा लेंगे। तो गाइस अब बज रहे हैं शाम के 5:45 हो गए हैं और ये बना रहे हैं अभी कापा, इसका नाम है लवकुश और इसका नाम है पिंटू। यहाँ पर मस्त बनाए हैं दोनों ने गोल गोल। और जो है एक मतलब मशीन जैसी उसकी मदद से बनाया गया है ये कि मैंने आप ये है जो जिसको मैंने पहले दिखाया गया है इसको कि किस तरह छोटा करना है, किस तरह बड़ा जो काटना है आलू को। और यहाँ पर जो है इनकी बनाने की कार्रवाई चालू है और मतलब फूले भी हैं इसमें, आई थिंक सोडा डाल रहा है, हाँ इसमें सोडा डाल रहा है। और यहाँ पर जो है बन रहे हैं, पहले इनको बनने देते हैं और फिर बाद में इनको खाते हैं। तो गाइस इसको अभी खाते हैं। तो गाइस मैं बाहर का खाना नहीं खाता हूँ और हम मतलब बाहर का खाना ही है ये, परंतु घर पर बनाकर खाते हैं क्योंकि पता नहीं है जो बाहर जो है किस तरह मतलब कैसे कैसे बनते हैं। और मैं जो स्कूल में जाता हूँ पहले मैं भी लेके जाता था, मतलब पहले मैं लेके नहीं जाता था जो टिफ़िन है वो लेके नहीं जाता था, बाद में मैंने ले जाना चालू कर दिया है अभी। और यहाँ पर जो है आलू छोले जा रहे हैं, कम पड़ गए थे इसके लिए अभी और छोड़ रहे हैं। हाँ मतलब जो आलू
आलू तो कम पड़े हैं क्योंकि बेसन जो है, मतलब जो यहाँ पर जो बेसन जो है जो ज़्यादा है, इसके लिए आलू जो हैं और छीले जा रहे हैं। यहाँ पर छिलके हो गए हैं तैयार और अभी इनको डालते हैं। तेल है वो बहुत गर्म हो चुका है और थाली जो है वो भर गई है कापा से। अगर आपको रेसिपी चाहिए कापा कैसे बनाते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, बेसन लेना है और बेसन में जो है मिर्ची डालनी है और थोड़ा सा नमक डालना है और फिर बाद में कोरिएंडर भी डाल सकते हैं आप, धनिया पाउडर, और फिर बाद में इनको मिक्स करने का, थोड़ा पानी डालकर, ज़्यादा पानी डालने का नहीं, आप देख सकती हैं इतना पतला करने का, मतलब ज़्यादा पतला करने का नहीं है। और फिर बाद में जो है जो आलू के पीस करने हैं छोटे छोटे, और पीस कर कर इनको उसमें डुबेना है, डुबा कर बाद में इनको तेल में जो है डालना है। और आप इसमें डाल सकते हैं, सोडा, और उसी के अंदर मतलब थोड़ा सा फूल जाता है ये कापा रहता है जो, और अभी बन रहे हैं और फिर बाद में खाएंगे। गाइस आप देख सकते हैं कापा की हार्ट बीट जो है बहुत तेज हो गई है। ये तेल नहीं है, ये हार्ट बीट है, मतलब जो है कापा की पता नहीं क्या पाक के अंदर क्या हुआ है, जो कापा एकदम धक 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 करने लगा है इंजन की तरह। अभी कम हो गया इसका हार्ट बीट, अभी ये मरने की कगार पे पहुंचा है। इसको वापस चालू हो गया इसका दिल, कापा था उसको दिल का दौरा पड़ गया था, इसके लिए ऐसा कर रहा था वो। तो अभी खाते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पर जो सनसेट की अच्छी सी वीडियोस और जो इमेजेस हैं कैप्चर कर रखी, जो आपके में जो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। जो एकदम आसमान को पूरा अच्छा से व्यू आ रहा है, व्यू गाइस मैं जा रहा था दूध लेने के लिए और मेरे को यहाँ पर जाते समय सनसेट का अच्छा सा व्यू दिखा, सो इसको मैं कैप्चर करने के लिए आया था। फोटोग्राफी कर कर ख़त्म हो चुकी है और अब जाते हैं नीचे दिया जलाने के लिए। तो गाइस मैं बैठा था स्टडी करने के लिए और अब बज गए हैं 9 और अब जाता हूँ मैं खाना, अब मैं खाना खाता हूँ और मिलते हैं खाना खाने के बाद में। तो आज बना है खाने में लौकी की सब्जी और रोटी है और यहाँ पर हैं चावल हैं, तो खाना खाते हैं अभी। तो गाइस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, क्योंकि मैं जैसे ही ब्लॉग अपलोड करूं तो आपको जल्द से जल्द सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। आई होप जो आज का ब्लॉग है जो आपको अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं एक और ब्लॉग के साथ में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।